नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सप्ताह के 7 दिनों का अलग अलग महत्व है और 7 दिनों में हर दिन भगवान के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे बुधवार की। बुधवार का दिन बुद्धि के भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार के दिन ही लोग मंदिरों में जाकर या फिर घर में ही गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन कुछ ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए, वरना आपके जीवन में सुखों की कमी होती है, जीवन में तकलीफें बढ़ती है। आखिर वो कौन से काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला काम है कि ईशान, उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना है। इन दिशाओं में शूल दोष लगता है। अगर बहुत ही जरूरी हो इस दिशा में यात्रा करना तो आप घर से उपाय करके निकलें। दूसरा है कि बुधवार के दिन किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन कर्ज भी किसी को ना दें, क्योंकि अगर आपने बुधवार को किसी को पैसा दिया तो मान के चलिए कि आपको वो पैसा जल्दी वापस नहीं मिलेगा। कारोबार का संबंध है बुध से तो उधार देने से कारोबार में भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं की लड़की संतान है उनको बुधवार के दिन सर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि सर धोने से बेटियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार घर में दूध रहने पर हम कोई दूध गाढ़ा करने वाली चीज बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, कभी हम खीर वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे में जिस चीज में दूध जलने की संभावना हो वैसा काम बुधवार के दिन ना करें, यानी बुधवार को दूध को गाढ़ा नहीं करना है। और बहन, बुआ, बेटी, इनका आपको खूब सम्मान करना चाहिए। अगर ये बुधवार के दिन घर आते हैं तो उनका खूब सम्मान करें, अच्छे से स्वागत करें। इससे ज्योतिष के अनुसार आपका बुध ग्रह अच्छा फल देने लगता है। बुधवार के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पान खाने से जीवन में परेशानी आती है, इसीलिए बुधवार के दिन पान खाने से बचें। किन्नरों का दिन है बुधवार, उनको इस दिन बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो आपको बुधवार के दिन किसी भी किन्नर का अपमान नहीं करना है। संभव हो तो उनका मजाक भी नहीं उड़ाना है, उनके बारे में अपशब्द भी नहीं बोलने हैं। इस दिन उनको कुछ ना कुछ दान जरूर दे देना है, इससे धन बढ़ेगा, खुशियां आएगी। बुधवार के दिन कड़वा मत बोलिए, कड़वा यानी अपशब्द। ऐसा करने से मां लक्ष्मी भी रूठती है और जीवन में धन संबंधी समस्याएं भी शुरू हो जाती है। खर्चे बढ़ जाते हैं, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है। काला रंग का कपड़ा भी बुधवार के दिन नहीं पहनना चाहिए। खासकर घर की महिलाओं को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पुरुष तो पहन भी लें। जैसे काली चूड़ियां, काली बिंदी, ये सभी चीजें करने से बचें। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाएगी और आपके सुहाग की आयु भी घटेगी, इसलिए इस दिन विशेषकर महिलाओं को लाल या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, उस मांगलिक कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो समस्त प्रकार की बाधाएं दूर करने वाले होते हैं भगवान गणेश जी। समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाते हैं भगवान गणेश जी।
क्योंकि विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है इनको। और कोई भी आपके मन में इच्छा हो, कोई भी आपकी कामना हो, भगवान गणेश की अगर आप पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र गणेश जी पूर्ण कर देते हैं। चाहे आपके विवाह में कोई बाधा हो या फिर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो, आपको धन का अभाव है, कर्ज से घिरे हुए हो, अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की आपकी जो परेशानी है, उन सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं भगवान गणेश जी। जब हम प्रतिदिन भी पूजा करते हैं ना अपने घर में, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। जैसे स्नान के बाद आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उसके बाद जब आप अपने घर के मंदिर में जाते हैं नित्य पूजा के लिए, तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्र का जाप करें, उनकी आराधना करें, उसके बाद बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं। पंच देवों में स्मरण किए जाते हैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी। प्रातःकाल उठकर अगर आप सर्वप्रथम अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे गणेश जी का स्मरण करते हैं, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वो दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का विशेष दिन होता है। वैसे हम प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन बुधवार के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि ये दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती है, भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन अगर आप विशेष रूप से 7 बुधवार लगातार इस तरह से पूजा करते हैं जैसे हम बताने वाले हैं, तो इस पूजा से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश जी उसे पूर्ण करते हैं, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसके लिए भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार के संकट से आप गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से बुधवार के दिन करनी चाहिए और ये उपाय करना चाहिए। बात करते हैं भगवान गणेश के बुधवार के पूजा विधि के बारे में। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कामना है, आप प्रातःकाल जल्दी उठें और अपने मन में भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहें कि आप इस प्रकार की परेशानी से परेशान है। मान लीजिए कि आपको धन की कामना है, आप कर्ज में घिरे हैं, संतान की कामना है आपको, या फिर आपके विवाह में बाधाएं आ रही है, आपकी कोई भी कामना हो सकती है, आप किसी भी कामना के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। उस वक्त जब आप सोकर उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहें तो अगर आपके आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भी भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने ही घर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है, या अगर आपके घर में कोई विग्रह स्थापित है, क्योंकि विग्रह की पूजा का विशेष महत्व होता है, भगवान गणेश की विग्रह अगर आपके घर में है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप उसका अभिषेक करके विधि विधान से पूजन कर पाते हैं। लेकिन अगर विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर पर भी, यानी कि कोई भगवान गणेश जी की फोटो भी हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है? अगर विग्रह है तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से या पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसी भी आपकी उपलब्धता है। अगर पंचामृत है, यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो ये सभी वस्तुएं मिलाकर भगवान गणेश का अभिषेक करें। उसके बाद आपको जल, गंगा जल से अभिषेक करना है।
भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले वस्त्र धारण कराएं, भगवान गणेश को इत्र अर्पित करें। इत्र अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ होता है। देखिए, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, ये एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां आप उपलब्ध कर पाएं, अगर संभव हो तो। इत्र अर्पित करने के बाद आपको यज्ञोपवीत अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, वहां पर सुगंधित धूप जलाएं, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के समय आपको भगवान गणेश की पूजा में पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दुर्वा अर्पित करनी है। दुर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करें। अगर आपके पास 5 दुर्वा हैं तो आप 5 दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर मिल जाएं तो 11, 21 इस तरह से दुर्वा लेकर उसकी माला बना लें और वो माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें, तो शीघ्र ही आपके मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं, और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। अक्षत का तिलक जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो चावल होता है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, तो वो चावल थोड़ा सा गीला कर लें और वो भगवान गणेश के मस्तक पर लगाएं। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश के मस्तक पर अक्षत भी जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का मोदक भगवान को अर्पित करना चाहिए। बहुत खुश होते हैं भगवान गणेश, बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम उन्हें उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को अगर आप साबुत मूंग अर्पित करें, जब पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो साबुत मूंग ले आएं। मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होने चाहिए, टुकड़े ना हो। तो थोड़े से साबुत मूंग आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें। और आपको एक विशेष प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि कारक होता है। धनिया का मतलब एक तरीके से धन ही होता है। जैसे कि हम धनतेरस पर भी धनिये की पूजा करते हैं, धनिये की खरीदारी करते हैं, तो थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वो भोग स्वरूप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं, ये भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। हर बुधवार को आप भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक का भोग लगाइए। अगर मोदक ना हो तो इसकी जगह पर आप कोई भी वस्तु, जैसे कि जो आपके पास उपलब्ध हो, अगर बूंदी के लड्डू मिल जाते हैं या आपको मूंग दाल का लड्डू मिल जाता है, मार्केट से ले आए या घर पर बना सकते हैं। मूंग दाल का हलवा भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कोई भी भोग अर्पित करें, लेकिन मेन जो आपका प्रसाद मुख्य प्रसाद हो वो धनिया का चूरमा होना चाहिए। आप फलों का भोग भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। जब आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के समय आपको एक मंत्र जाप करना है। ये विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है। और आपके मन की कोई भी इच्छा हो, भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना करने से आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होती है। मंत्र है, ओम नमो भगवते गजाननाय, ओम नमो भगवते गजाननाय। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप हर बुधवार के दिन 11 माला जरूर जपिए। और ऐसा आपको 7 बुधवार लगातार करना है। 7 बुधवार अगर आप ये लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए, भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलने लग जाएंगे। मन की जो भी इच्छा है, जो आपने भगवान को कही है, वो आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं,
और आप चाहें तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि बहुत समय हो गया आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको संतान प्राप्ति का जो मंत्र होता है, जो स्तोत्र होता है, संतान गणपति स्तोत्र, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है। और आप सिर्फ इस काम को करके देखें, इस विधि से हर बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें तो आपके मन की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो भगवान पूर्ण ना करें। आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए कि भगवान गणेश से हम अपनी प्रार्थना कह रहे हैं और हमारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।